नमस्कार, दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलोअप लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ दीप शिखा। खबरों की खबर या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे जनता रिपोर्टर्स। तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर आज राहुल गांधी के साथ विपक्षी नेताओं ने भी मार्च निकाला। वह मार्च सांसद से लेकर विजय चौक तक चला। मार्च निकालने के बाद राहुल गांधी मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बताया कि कैसे विपक्ष ने सत्र को दो दिन पहले ही खत्म कर दिया। यह लोकतंत्र की हत्या है, अपमान है और कुचला जाना है। यही इसी के साथ उन्होंने बताया कि कैसे विपक्ष ने उनको बोलने की अनुमति नहीं दी और कहां उन्हें बोलने की अनुमति मिल रही है, इसलिए वे आज मीडिया से रूबरू हुए। संसद के मॉनसून सत्र खत्म होने के बाद से गुरुवार को विपक्षी पार्टियों के द्वारा साझा मार्च निकाला गया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में निकाले गए इस मार्च में एक दर्जन से ज्यादा राजनीतिक दल शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और सदन में सांसदों के साथ बदसलूकी होने की बात कही। राज्यसभा में पेगासस जासूसी मामले और अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष और सरकार में जमकर हंगामा हुआ। इस बीच दोनों के बीच तनातनी भी दिखाई दी। केंद्रीय मंत्रियों ने विपक्ष पर हमला बोला और साथ ही कहा कि विपक्ष सरकार को सदन चलाने नहीं दे रहा और न ही किसी बिल पर चर्चा कर रहा है। संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में हुए हंगामे को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच जंग जारी है। गुरुवार को पहले विपक्ष ने मार्च निकालकर सरकार पर निशाना साधा, बाद में सरकार की ओर से पलटवार किया गया। केंद्रीय मंत्रियों ने कहा कि कांग्रेस के साथ विपक्ष ने योजना के तहत सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचाई, सदन की मर्यादा और गरिमा को चोट पहुंचाई गई, इसके लिए उन्होंने पूरे देश से उनको माफी मांगनी चाहिए। बीते दिनों मोदी सरकार और ट्विटर के बीच जमकर बवाल देखने को मिला था, लेकिन अब ये संग्राम कांग्रेस और ट्विटर के बीच छिड़ गया है। दरअसल ट्विटर ने कांग्रेस के कई नेताओं समेत पार्टी का आधिकारिक अकाउंट लॉक कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने कहा कि जब उसके नेता जेल में चले गए थे तब कांग्रेस नहीं डरी, तो अब क्या खाक डरेगी। वही ट्विटर ने अपनी सफाई में कहा कि कांग्रेस के कई नेताओं ने नियमों का उल्लंघन किया था, जिसके चलते उनका अकाउंट लॉक किया गया। ट्विटर और कांग्रेस के बीच की तकरार लगातार जारी है। दरअसल राहुल गांधी और कांग्रेस के कई अन्य नेताओं के बाद अब ट्विटर ने कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट को भी लॉक किया है और इस बात की जानकारी खुद कांग्रेस पार्टी के द्वारा दी गई है। कांग्रेस ने इसके साथ ही एक पोस्ट लिखते हुए कहा है कि जब हमारे नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया तब हम नहीं डरे और ट्विटर अकाउंट बंद करने से क्या खाक डरेंगे। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि वो लड़ती है और लड़ती रहेगी। कांग्रेस की ओर से भी कहा गया है कि अगर बलात्कार पीड़िता बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाना अपराध है तो ये अपराध कांग्रेस पार्टी स्वाभाव करेगी। वहीं ट्विटर की ओर से भी इस एक्शन पर जवाब दिया गया है। ट्विटर ने कहा है कि कांग्रेस नेताओं ने नियमों का उल्लंघन किया था और ये एक्शन एनसीपीसीआर की शिकायत पर लिया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली में एक 9 साल की बच्ची के साथ कथित बलात्कार मामले के बाद राहुल गांधी ने उसके परिवार से मुलाकात की थी। इस मुलाकात की तस्वीर उन्होंने ट्विटर पर शेयर की थी और इसी के बाद से राहुल गांधी का अकाउंट पहले सस्पेंड हुआ, बाद में लॉक हुआ। यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने सभी तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी चुनाव को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। आपको बता दें कि 16 अगस्त से बीजेपी किसान सम्मेलन निकालने जा रही है, जिस पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि सुना है बातों की खेती करने वाली बीजेपी अब किसान सम्मेलन करने जा रही है। उन्होंने कहा कि किसान बीजेपी के बहकावे में नहीं आने वाले, 2022 में किसान बीजेपी के खिलाफ वोट करेगा। राजनीति में लंबे समय से दोस्त रहे कैलाश विजयवर्गीय और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब एक साथ गाना गाते हुए नजर आए। दरअसल आपको बता दें ये मौका विधानसभा परिसर में दी गई भुट्टा पार्टी का था, जो कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से आयोजित की गई थी। आपको बता दें कि इस पार्टी के दौरान मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और कैलाश विजयवर्गीय एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले शोले फिल्म का मशहूर गाना गाते हुए नजर आए। हालांकि इस मुलाकात के बाद अब सियासी कयास लगाए जाने भी शुरू हो गए हैं। बताया जा रहा है कि शायद मध्य प्रदेश की राजनीति में कोई बड़ा सियासी फेरबदल किया जा सकता है या फिर किसी बड़े नेता को भी मध्य प्रदेश की राजनीति में जगह मिल सकती है। अब आगे होगा क्या, ये देखने वाली बात होगी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीरवार को प्रदेश में 40 नई मिट्टी की जांच की प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन कार्यक्रम से जुड़े थे। इस दौरान सीएम के साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 40 नई मिट्टी की जांच की प्रयोगशालाएं खंड स्तर पर शुरू की गई है। इसके साथ ही सीएम ने यह भी बताया कि इन प्रयोगशालाओं के जरिए प्रदेश में पहले चरण में 25 लाख एकड़ भूमि की मिट्टी की जांच की जाएगी। साथ ही सरकार का लक्ष्य है अगले 3 साल तक पूरे प्रदेश में करीब 75 लाख एकड़ जमीन की मिट्टी की जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करने में जो कदम उठाए जा रहे हैं उसमें से एक कदम मिट्टी की जांच किसानों को करवाकर उनको उपयुक्त फसल की जानकारी देना भी शामिल है। ओडिशा के पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर 16 अगस्त से श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा। 16 से 20 अगस्त के बीच पहले 5 दिन सिर्फ स्थानीय श्रद्धालुओं को ही दर्शन की अनुमति होगी और उसके बाद 23 अगस्त से सभी श्रद्धालुओं को अनुमति दी जाएगी। मंदिर में प्रवेश के लिए आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जरूरी होगा और मंदिर में दर्शन के दौरान कोविड नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाएगा। अफगानिस्तान में तालिबानियों का आतंक लगातार अब बढ़ता ही जा रहा है, जिसको लेकर भारत सरकार भी एडवाइजरी जारी कर दी और लोगों को जल्द से जल्द अफगानिस्तान छोड़ने का ऐलान कर दिया है। साथ ही बता दें कि उपराष्ट्रपति के बेटे को भी तालिबानियों ने अपनी गिरफ्त में ले लिया और लगातार काबुल की ओर बढ़ता तालिबानियों का काफिला अब संकट पैदा कर रहा है। कोरोना की इस भयानक महामारी के बीच वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है। दरअसल इंजेक्शन से दी जाने वाली वैक्सीन के अलावा नाक से दी जाने वाली वैक्सीन का ट्रायल भी जारी है। आपको बता दें कि हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी नेजल वैक्सीन का ट्रायल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इस वैक्सीन को नाक के जरिए दिया जाएगा। वहीं ये वैक्सीन लगातार कोरोना को मात देने में कारगर साबित हो सकती है। वहीं भारत बायोटेक कंपनी ने इस वैक्सीन का नाम क्रोफ्लू रखा है। रोग बचाओ और का कार्य चला है, स्तर पर चला है, जहां पर आईटीबीपी, एनडीआरएफ, पुलिस, होमगार्ड के जवान लगातार जो है रेस्क्यू का कार्य कर रहे हैं। अभी तक जो सुबह से जो है 3 शवों को बरामद किया गया है, अब तक टोटल जो है 13 शव बरामद कर दिए गए हैं और 11 लोग इंजर्ड है जो कि स्थानीय अस्पताल में रखे गए हैं। जहाँ तक हम बचाव और बचाव की बात करें तो यहाँ पर जो है पहाड़ी से लगातार बीच बीच में पत्थरों का गिरना क्रम जारी है, जिससे रेस्क्यू करने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि ये रेस्क्यू कितना समय लेता है और प्रशासन के ऊपर क्या इसका प्रेशर रहता है, क्योंकि जिला प्रशासन सुबह से ही यहाँ पर आ चुकी है। किन्नौर के विधायक सिंह नेगी भी यहाँ सुबह 7 बजे से आकर पूरे राहत और बचाव कार्य का जायजा ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में दर्दनाक हादसा कल हुआ था और ऐसे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कल से ही तैयारी करके बैठे थे कि हादसे का मुआयना करना है और ऐसे में हवाई दौरा जो है वो किया जाना था, लेकिन आज हेलीकॉप्टर के माध्यम से आज जो है उनका जाना हुआ और उसके बाद सीधा विधानसभा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहुंचे। उनके साथ जो परिवहन मंत्री थे विक्रम सिंह ठाकुर, वो भी साथ में मौजूद थे और ऐसे में आज सदन को उन्होंने अवगत कराया कि किस तरह की परिस्थितियां जो हैं वो वहां पर बनी हुई हैं और ऐसे में बेहद मुश्किल है कि रेस्क्यू ऑपरेशन, जो कि हिमाचल का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय चल रहा है किन्नौर में, और वहां पर सीधे तौर पर ये देखा गया जो बस जो नहीं मिल पा रही थी आज उसे बरामद कर लिया गया सुबह के समय में, और ऐसे में बस में जो लोग थे अभी फिलहाल उनकी तलाश यहाँ पर जारी है। लेकिन शुरुआती दौर में ये कहा गया कि जब बस मिली तो बस के अंदर जब मलबे को खंगाला गया तो 4 विक्षत रूप से जो जिनकी जो शव थे वो बुरी तरह से क्षत विक्षत रूप में वहाँ पर थे, तो ऐसे में वहाँ पर उनको बरामद किया गया, लेकिन अभी भी 16 से ज़्यादा लोग जो हैं उनकी तलाश अभी भी जारी है और ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं, क्योंकि मौसम एक बार फिर से बिगड़ गया है हिमाचल प्रदेश में, और यही कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही मौसम फिर से ठीक हो और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो एक बार फिर से
जारी हो। लेकिन इसी बीच खबर यह भी है कि जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जब वहां से दौरा कर वापस विधानसभा शिमला पहुंचे हैं तो यहां पर सदन को उन्होंने अवगत कराया और ऐसे में मुआवजे की राशि का ऐलान भी किया गया है। 5-5 लाख रुपये उन लोगों को मिलेंगे जिनकी मौत यहां पर हुई है, उनके परिजनों को 5-5 लाख रुपये दिया जाएगा और इसके अलावा जो घायल हैं उन तमाम लोगों को भी 50-50 हज़ार रुपये की राशि यहाँ पर दी जाएगी। लेकिन अभी मौसम खराब है, इंतजार सिर्फ इसी बात का है कि मौसम एक बार फिर ठीक हो और उसके बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हो ताकि जल्द से जल्द लापता लोगों को वहां से निकाला जा सके। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी शिमला। पंचकुला में हरियाणा सरकार द्वारा ओलंपिक पदक विजेताओं के सम्मान समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस वक्त हम पंचकुला में आपको दिखाना चाहेंगे, सेक्टर 5 में इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में ग्राउंड जीरो पर है जनता टीवी, जहां पर आपको दिखा दें कि तैयारियां जोरों पर है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुख्ता इंतजाम यहां किए जा रहे हैं क्योंकि राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्वयं ओलंपिक पदक विजेता जो हरियाणा से हिस्सा लिए थे, जिन्होंने ओलंपिक में उनको सम्मानित करेंगे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में हरियाणा की तरफ से बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले ओलंपिक पदक विजेताओं को यहां सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष, तमाम जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो मौजूद रहेंगे और गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा और हॉकी टीम जिन्होंने ओलंपिक में महिला हॉकी टीम और पुरुष हॉकी टीम जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया उनके हरियाणा से जो खिलाड़ी हैं वो रहेंगे मौजूद। साथ ही बजरंग पूनिया पहलवान जो है, स्टार रेसलर हैं रवि दहिया, वो यहाँ पहुँचेंगे और इसको लेकर काफ़ी उत्सुकता पंचकुला वासियों में है क्योंकि पंचकुला के लिए बड़े गौरव की बात है कि ये कार्यक्रम पंचकुला में आयोजित किया जा रहा है। इसको लेकर लोगों में खासा जोश भी है और अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर पंचकुला पुलिस कमिश्नर सौरभ सिंह और DCP मोहित हांडा, DC विनय प्रताप सिंह ने स्थिति का जायजा लिया, तैयारियों का जायजा लिया, सुरक्षा के जो पुख्ता प्रबंध किए जाने हैं उसको लेकर संबंधित पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। बहर आपको बता दें कि 13 अगस्त को ये गौरवान्वित करने वाला समारोह जो है यहाँ पर आयोजित किया जाएगा जिसको लेकर आज तैयारियां चल रही हैं। औद्योगिक नगरी फरीदाबाद का औद्योगिक क्षेत्र अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। स्थिति यह बन रही है कि मूलभूत सुविधाओं के लिए भी उद्योगपतियों को तरसना पड़ रहा है। उद्योगपति इस बात को लेकर भी चिंतित है कि कुछ माह पूर्व औद्योगिक क्षेत्र का मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा फरीदाबाद आगमन के दौरान औचक निरीक्षण किया गया था और बदहाली पर औद्योगिक क्षेत्र की काफ़ी चिंता व्यक्त की थी। अधिकारियों को दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए थे लेकिन स्थिति देखिए कि आज भी औद्योगिक सड़कों की हालत खस्ता है, सीवरेज ओवरफ्लो है और तमाम समस्याओं से उद्योगपतियों को जूझना पड़ रहा है। परेशानी की बात यह भी है कि उक्त औद्योगिक क्षेत्र में ऐसे कई बड़े उद्योग मौजूद हैं जो कि फरीदाबाद और हरियाणा को न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने उत्पादों को लेकर पहचान बनाए रखने में एक लैंडमार्क साबित हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद इन उद्योगों की सुध लेने वाला कोई नहीं है और उद्योगपति बार बार एक बात सरकार से पूछ रहे हैं कि आखिर भारी भरकम राजस्व देने के बावजूद भी अधिकारी उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में उनके उद्योगों को और औद्योगिक क्षेत्र की दुर्दशा पर आखिर कौन सुध लेगा। कलायत में पानी निकासी को लेकर जनता टीवी द्वारा उठाए गए मुद्दे पर अधिकारियों ने कान धर दिए हैं। अधिकारी अब इस फैसले पर पहुंचे हैं कि पानी निकासी को लेकर जो कारक सामने आ रहे हैं, जिन कारकों के चलते पानी की निकासी नहीं हो पा रही है और लोगों की दुकानों और मकानों में पानी घुस रहा है, उसका निवारण किया जाएगा। नगर पालिका के अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची है और 80 वर्षीय बुजुर्ग जिनकी दुकान में पानी घुसने के कारण उन्हें अपना सामान दूसरी जगह तब्दील करना पड़ा था, उस बुजुर्ग से भी नगर पालिका अधिकारियों ने बात की है। अब देखना ये है कि जो नगर पालिका प्रशासन है कितनी त्वरित ढंग से लोगों की जो समस्याएं हैं उसका समाधान करता है। जुलाना के हांसी रोड से गुजरने वाली हाईवा जो गाड़ी जा रही है उनके आगे दुकानदारों ने जाम लगा दिया। उनका कहना है कि अब जो रेत है वो ज़्यादा भरकर ये गाड़ियां लेकर जाते हैं जिन्हें उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है और रेत उड़कर उनकी दुकानों में घुस जाता है और आने जाने वाले लोगों को भी इस रेत से भारी परेशानी होती है। इसी परेशानी को देखते हुए जुलाना के जो दुकानदार उन्होंने हाईवा जो गाड़ियां यहाँ से गुजर उनके आगे जाम लगा दिया। मौके पर पुलिस पहुंची है और पुलिस ने दुकानदारों को की जो मांगे हैं वो सुनकर उनकी जो बातें हैं वो मानकर आगे हाईवा जो आई हुई थी उनको जाने
का रास्ता दिया जा रहा है। आप दुकानदारों का कहना है कि यहाँ पर पानी छिड़के और अंडर वेट जो लोड वो लेकर ये हाईवा गुजरेंगे तो ही इनको जाने दिया जाएगा। इन सभी मांगों को जो है चौकी प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर मनवाया और उसके बाद ही जुलाना वासियों ने जाम खोला और उसके बाद मशीनों को आगे जाने दिया। प्रदेश सरकार ने महिलाओं को एक बार फिर से तोहफा दिया है। हरियाणा परिवहन की बसों के अंदर रक्षाबंधन के दिन महिलाएं फ्री यात्रा कर सकेंगी। इसके लिए परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने पूरे प्रदेश भर के ट्रैफिक विभाग को ये जानकारी दी है, आदेश जारी किए हैं कि महिलाएं अपने 15 वर्ष के बच्चों के साथ बिल्कुल निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। हालांकि कोविड की महामारी को देखते हुए ये भी साफ तौर पर कहा गया है कि कोविड के नियमों की भी पालना हो, इसके लिए महिलाएँ मास्क लगा के चलेंगी। साथ ही 15 वर्ष तक के बच्चों को भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा, सैनिटाइजर का प्रयोग करना अनिवार्य होगा ताकि कोविड जो है फैल ना सके। इस बात की जानकारी भरत परमार ने दी है जो कि भिवानी रोडवेज के अंदर टीएम है। उनका कहना है कि आदेश मिल चुके हैं और आदेशों के तहत काम करना भी उन्होंने लोगों ने शुरू कर दिया है। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर महिलाओं की संख्या ज़्यादा होती है तो बसों की संख्या को भी बढ़ाया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में पैदल चाल स्पर्धा में भारत देश का प्रतिनिधित्व करने वाले संदीप पूनिया के वापसी पर जब वो अपने क्षेत्र में लौटे हैं तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। जैसे ही संदीप पूनिया सतनाली पहुंचे तो पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने उन्हें शॉल उड़ाकर स्मृति चिन्ह देकर वे 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया। क्षेत्रवासियों द्वारा संदीप पूनिया को खुली जीप में बैठाकर उनके गृह क्षेत्र उनके गांव सुरैती पिलानिया में लाया गया और जब तक वो गांव में पहुंचे हैं तो जगह जगह उनका फूलमालाओं से बुक्के देकर जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर संदीप पूनिया ने कहा कि उन्हें जो इस बात की प्रेरणा मिली है और लोगों में जिस प्रकार का जोश है, खुशी है, इसकी प्रेरणा लेकर वो आगे देश को जरूर मेडल दिलाएंगे। किसान नेता राकेश टिकैत का अब उत्तर प्रदेश में मोर्चा लगेगा। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में एक बड़ी किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है जिसके सिलसिले में इन दिनों राकेश टिकैत हरियाणा में न्योता देते हुए घूम रहे हैं। आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंचे थे। बड़ी बात यह है, किसान आंदोलन करीब 10 महीने से चल रहा है। उत्तर प्रदेश में राकेश टिकैत की यह पहली बड़ी महापंचायत होगी और उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले इस महापंचायत को कई तरीके से देखा जा रहा है। जनता टीवी की खबर का फिर हुआ असर। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल परीक्षा देने गए विद्यार्थियों की जान को जोखिम में डालने वाले हरियाणा रोडवेज के चालक को रिवाड़ी डिपो के महाप्रबंधक ने निलंबित कर दिया। 7 अगस्त को हरियाणा डिपो की एक बस विद्यार्थियों को लेकर फरीदाबाद गई थी। वापस आते समय चालक ने बस को डिवाइडर से कुदा दिया था। रिवाड़ी के एक शख्स ने इसका वीडियो बना लिया था और जनता टीवी को सौंपा था। इस पर जनता टीवी ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। उसके पश्चात जीएम रोडवेज ने इस पर संज्ञान लेते हुए तुरंत प्रभाव से चालक को निलंबित कर दिया। साथ ही उन्होंने हिदायत दी कि ऐसा करने वाले किसी भी चालक को आगे से भी नहीं बख्शा जाएगा। जहां प्रदेश में एक तरफ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं जिला प्रशासन की ओर से लगातार कोविड वैक्सीन को लेकर अभियान जारी है। अगर लेटेस्ट आंकड़ों की मैं बात करूं तो 3,62,000 लोगों को अभी तक कोरोना की पहली डोज लग चुकी है। जिला प्रशासन के अनुसार 15 अगस्त से पहले पहली डोज का जो लक्ष्य रखा गया है उसको पूरा करना है और इसके साथ साथ हर ब्लॉक की 3-3 पंचायतों को 100% कोविड वैक्सीन लगाने के उपरांत उनको 5-5 लाख की इनाम राशि देने की घोषणा भी यहां से की गई है। हिमाचल प्रदेश में बरसात का कहर इस कदर जारी है कि प्रदेश के हर गांव में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुसीबत जो है वो बनी हुई है। बात अगर मैं जिला कांगड़ा की करूं तो जिला कांगड़ा में जब 12 जुलाई को भारी बरसात हुई थी उसमें शाहपुर के थारकंडी इलाके की 5 पंचायतें जो हैं उनकी सड़क बह गई थी और इन 5 पंचायतों का संपर्क जो है वो देश दुनिया से कट गया था। इन पंचायतों में लगभग 5,700 के आसपास की आबादी जो है वो वहाँ पर रहती है। उसमें से लगभग लोगों की माने तो 35 गर्भवती महिलाएं वहाँ हैं जिनको अस्पताल पहुँचाना उनके लिए मुसीबत बनी हुई है। साथ के साथ वहाँ उस इलाके में अनाज की कमी की भी बात जो है वो लोग कर रहे हैं और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के ये लोग जो है वो जिलाधीश कार्यालय में
धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और भूख हड़ताल कर रहे हैं। चलिए फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।